सात बजे से शुरू हो जाएगा। लोकसभा के चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत देश के कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, 6 बजे तक मतदान होना है। महज 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और अभी से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में इटावा, कन्नौज, कानपुर, खीरी, उन्नाव, फरुखाबाद, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा में, इसके अलावा हरदोई, मिश्रिख, शाहजहांपुर और सीतापुर में भी वोटिंग होनी है। तो 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये जो 13 सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं और इन 13 सीटों के लिए हमने देखा था किस तरह से चुनावी दिग्गज जो थे वो मैदान में थे। चुनावी दिग्गजों ने जबरदस्त तरीके से प्रचार इन 13 सीटों पर किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 13 सीटों को लेकर भी बहुत ज्यादा दावेदारी हर व्यक्ति, हर पार्टी कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन 13 सीटों पर कितने सीटों पर किस किस पार्टियों का कब्जा होता है, ये देखने वाली बात होगी। 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान शुरू हो जाएगा। चौथे चरण का मतदान है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मत डाले जा रहे हैं। चौथे चरण में 13 सीटों पर घमासान। कई सीटों पर बीजेपी एसपी में सीधा संग्राम। दिग्गजों की प्रतिष्ठा का इम्तिहान। चौथे चरण में माहौल टाइट। कई सीटों पर तीन तरफा फाइट। घमासान जारी, अब जनता की बारी। चौथे चरण की वोटिंग के लिए कुछ ही वक्त बचा है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। इस फेज में यूपी में 13 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। चौथे चरण में बीजेपी के लिए लड़ाई ज्यादा बड़ी है क्योंकि यूपी में 2019 में इस चरण की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार कुछ सीटों पर कांटे का संघर्ष दिखाई दे रहा है। इनमें कन्नौज, उन्नाव और लखीमपुर खीरी वोट सीट है। यादव बहुल कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है। कन्नौज सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1999 से 2019 तक हुए 7 लोकसभा चुनाव में से 6 बार यहां यादव परिवार का कब्जा रहा है। उन्नाव सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज मैदान में है। सपा कांग्रेस गठबंधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री अन्नू टंडन और बीएसपी ने अशोक पांडे पर दांव लगाया है। लखीमपुर खीरी सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद अजय मिश्र टेनी की साख का सवाल है। यहां गठबंधन ने उत्कर्ष वर्मा और बीएसपी ने अंशय कालरा को उतारा है। मिश्रिख सीट पर रिश्तेदारों के बीच चुनावी नूरा कुश्ती है। जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने डॉक्टर अशोक कुमार रावत पर भरोसा जताया है। गठबंधन से बीजेपी प्रत्याशी की रिश्तेदार संगीता राजवंशी और बीएसपी से डॉक्टर बीआर अहिरवार मैदान में डटे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर पिछली बार जीत दर्ज करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों को इन 13 सीटों पर उतारा है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। बीजेपी के लिए इस बार राहत की बात ये है कि उसके साथ इस बार आरएलडी भी है जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थी। सपा और बसपा के भी अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पिछली बार कन्नौज, मिश्रिख और इटावा में ही बीजेपी को टक्कर मिली थी, उसमें भी कांटे का मुकाबला सिर्फ कन्नौज में हुआ था। चौथे चरण के रण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इनमें तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार की उजियारपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, महाराष्ट्र की बीड सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा,
तीसरे चरण के साथ देश में आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 और तीसरे चरण में कुल 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। चौथे फेज की वोटिंग के बाद 380 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी तीन चरणों में 163 सीटों पर मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी के सामने अपनी धमक बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस और बीएसपी राजनीतिक जमीन तलाशने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है। 13 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। अब आपको 13 तस्वीरें दिखाते हैं। जिन 13 सीटों पर आज मतदान होना है, उन 13 सीटों को लेकर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उन 13 सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह, हर एक पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और वहां से पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक लेकर आएंगे। इन 13 सीटों को लेकर खास तौर पर बीजेपी और एसपी में जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। यादव लैंड कहा जाता है और यहां पर बीजेपी को हमेशा से एसपी की तरफ से कड़ी टक्कर मिली है। इन 13 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, खीरी, उन्नाव, अकबरपुर, इटावा, बहराइच, धौरहरा, हरौरी, हरदोई, मिश्रिख और शाहजहांपुर, सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद यानी कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलेगी। लोग अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं पोलिंग बूथ पर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 7 बजे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, ज्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इन 13 सीटों को लेकर भी आज तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। चौथे चरण का मतदान है और इसके बाद अब चरण बहुत कम बचे हैं। ऐसे में जो 13 सीटें हैं उसको लेकर हमने देखा किस तरह से बीजेपी एसपी में जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। हालांकि अब देखना होगा इन 13 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं हर सीटों का हाल। हर सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और पल पल की जानकारी वहां से देंगे। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कन्नौज से लोकेश दुबे, इटावा से देवेंद्र सिंह चौहान, हरदोई से आशीष मिश्रा, सीतापुर से संदीप मिश्रा, शाहजहांपुर से परवेज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम कन्नौज लोकेश दुबे के पास ही चलेंगे। लोकेश, ये बताइए आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और किस तरह की तैयारी आज के इस मतदान को लेकर? देखिए, आपको बता दें, तैयारियां प्रशासन ने पूरी मुकल्लर कर दी हैं और अब जो बारी है वो वोटरों के इंतजार की है। मॉक पोल हो चुका है, पीठासीन ने जो मॉक पोल हुआ है उस पर यहाँ जो एजेंट मौजूद थे उनके सामने मॉक पोल की कार्रवाई पूरी कर रही है और इसके बाद में अब जो है कुछ ही देर बाद यहाँ से मतदान शुरू हो जाएगा। हम इस समय कन्नौज के सरायमीरा बूथ है वो उस पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे पीछे ये बूथ बनाया गया है जिसमें यहाँ पे लोग वोट करेंगे और 7 बजे से यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी और जो यहाँ पर एजेंट बनाए गए हैं वो यहाँ एजेंट भी मौजूद हैं। इनके सामने मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की गई थी और उसके बाद में अब जो है क्या नाम है बूथ पर वोटिंग की बूथ होगी। मुझे जानकारी है सर, आप मुझे ना बताइए कि मुझे अंदर नहीं जाना है, ठीक है? आप मुझे बताइए, मुझे इतना जानकारी है कि मुझे अंदर वोटिंग जहां हो रही वहां उस कमरे में नहीं जाना है। आप इशारा ना करिए। चलिए, फ्रीज हो रहे हैं लोकेश दुबे, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है। इटावा से देवेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर इटावा की बात की जाए, टक्कर यहां पर कड़ी है, यादव लैंड कहा जाता है, अब ऐसे में आज किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं और किस तरह की तैयारी आज के मतदान को लेकर?
बिल्कुल, इस समय हम खड़े हैं इटावा के राजकीय इंटर कॉलेज महिला इंटर कॉलेज पे, जहां पर बूथ बनाया गया है। इस बूथ की पूरी तैयारी की गई है और इसको पिंक बूथ के नाम दिया गया है। हालांकि इसकी पूरी तैयारी की गई है और मॉक ड्रिल हो चुका है। उसके अलावा अगर उसकी बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और जहाँ जितना निर्धारित था वहाँ भेजा गया है। तो पीछे भी आप दिखा दे, बातचीत होती रहेगी लेकिन पीछे की भी तस्वीर दिखाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक हमारे साथ हैं, आइए इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। आप ये वोट डालने आए हैं, पहला वोट डालने आए हैं, क्या नाम है आपका? श्रीकांत साहब। अच्छा, आज वोट डालने आए हैं, क्या सोच दिमाग में रही है कि किस तरीके से तमाम चीज़ों पर लोग वोट देते हैं, विकास पे या निकाय पर, क्या लगता है? विकास के लिए देने आए हैं। आप भी वोट देने आई हैं? क्या नाम है आपका? रूपी साक्या। पहला वोट डालने आई हैं? जी जी जी, पहला वोट डालने आए हैं। तो हर बार जैसे होता है, हर कोई ना कोई ये निर्धारित करता है कि वोट हम इस आधार पे देंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो क्या मुद्दा होगा इस पे वोट हो रहा होगा? अच्छा ही होगा, जो भी तो वोट देने आए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ये पहले वोटर हैं जो जो सबसे पहले मतदान करना चाहते हैं। 7 बजे मतदान शुरू होगा, उसके बाद ही ये वोट डाल पाएंगे। लेकिन हालांकि इनकी जो है इच्छा है कि सबसे पहले पहले वोट डालें, और अभी लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ इस बूथ पर। ये नगर में ही बूथ है जिसको लेकर ये लोग वोट डालने आए हैं, और साथ ही यहाँ पे आशीष के पास भी हम चलते हैं। हरदोई आशीष के पास, आशीष ये बताइए आप किस जगह पर खड़े हैं और यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि कुछ देर बाद मतदान शुरू होना है और बहुत सारे ऐसे जागरूक मतदाता हैं जो बहुत पहले से आके खड़े हो जाते हैं, क्या इस तरह की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं आशीष? जी देखिए, बिल्कुल, आपको बता दें कि हम श्री बेड़ी माधव इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ वुमेन मैजेंट पोलिंग सेंटर बनाया गया है, वहां खड़े हुए हैं। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं और बहुत सामने देख सकते हैं कि आइए अंदर की ओर आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। बलून लगा रखे हैं, आप ये देख सकते हैं, सेल्फी पॉइंट बना रखा है, एक तरफ देखें तो मतदान सहायता केंद्र बना रखा है, वेटिंग रूम को बनाया गया है। वहीं अगर आपको बता दें कि पूरी तरीके से इस पोलिंग बूथ को आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है और सजाया गया है। आप एक और देख सकते हैं, महिलाओं के बच्चों, जो महिलाएं आएंगी जो बच्चों को लेकर के आएंगी, उनके लिए आंचल केंद्र, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि उन लोगों के लिए आंचल केंद्र, ये देखिए उसकी तैयारी की गई है कि उनको आने में और बच्चे को के लिए कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए उसका बैनर भी लगाया गया है और इसको चारों तरफ से कवर्ड किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये वही पोलिंग बूथ है जहां पर ये देखिए अभी कुछ देर पहले मतदाताओं का इंतजार हो रहा है, बस मतदाता आएंगे और उनका वोट पड़ना शुरू हो जाएगा। आज लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें मतदाता जो है वो काफी उत्साहित हैं। किस तरीके से देखिए, सफाई व्यवस्था भी अभी चली रही है, 7 बजे से वोट पड़ना है, सफाई कर्मी अपनी सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इधर आपको बताते हैं बुजुर्गों के लिए वेटिंग रूम बनाया गया है, मतदाता धूप में ना खड़े रहे उसके लिए देख सकती हैं किस तरीके से टेंट लगाया गया है। और आपको बता दें ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ 4000 से ज्यादा वोटर वोटिंग करता है, और आपको बता दें कि अगर पूरे जनपद की बात कर लें तो 30 लाख से अधिक वोटर है यहाँ, जिसमें 3 जो विधानसभाएं हैं वो मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की आती हैं और 5 जो विधानसभाएं हैं वो हरदोई 31 लोकसभा क्षेत्र की आती हैं, जहां से बीजेपी के जयप्रकाश रावत और ठीक है, इस पर कैंडिडेट पे भी बात करेंगे, कैंडिडेट किस तरह से वहां पर टक्कर दे रहे हैं उस पर भी बात